हैप्पी बर्थडे मम्मा। थैंक यू। तो आज रात के अभी 12 बज चुके हैं। नमस्ते दोस्तों, आज एक्चुअली मेरा बर्थडे है, तो इसीलिए मुझे सरप्राइज करने के लिए मेरे बच्चे लोग ने अभी मुझे, मैं सोई नहीं थी, उन्होंने सब मेरे हस्बैंड मेरे बच्चे सब मेरे लिए क्या क्या प्रिपरेशन किए। ये प्री बर्थडे का क्लिप आप देखिए आपको कैसा लगेगा। और सबसे पहले भगवान को मुझे नमस्ते। चलिए अभी चलिए केक काटते हैं। चलिए बाहर करी, तो ये मेरे हस्बैंड लेके आए हैं मेरे लिए सरप्राइज। कौन सा केक है? रेड वेलवेट। चलो रे बोलो रे, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर मम्मी, हैप्पी बर्थडे टू यू। अब इनको खिलाओ। मेरी बेटी लोग आज फिल्म में नहीं आ रहे हैं क्योंकि वो बोले हम लोग कल आएंगे, हम थोड़े ज्यादा सुंदर हैं। ने ठीक है, चेप्पू उल्कू खुआ मम्मी कौन कुर्चे तो में यो एओ माय गॉड, चेप्पू फील्स बिट्रेड। चेप्पू ले 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 चेप्पू हेलो चेप्पू देखिए ये ठीक है लॉल मदोनो खाए खाने ही इज नॉट इंटरेस्टेड ना कुकुर बोल खाइबो का है बुल कुछ नहीं ना लो सिरुनी थीबो इडी का थीबो जूनी ये मैं मंगाई थी। एक्चुअली हमारे सोसाइटी में एक रहती है मेरे दोस्त, बहुत अच्छा केक बनाती है, वैसा की नाम है उसका, वो बहुत अच्छा केक बनाती है, तो मैं उससे मंगाई थी चॉकलेट केक जो कि मुझे पसंद है, मुझसे ज़्यादा मेरे बच्चे लोगों को पसंद है, इसलिए मैं ये केक मंगाई हूँ। चेक करके बताते हैं। थैंक यू वैशाखी फॉर ए लवली केक। अभी ये भी थोड़ा टेस्ट करते हैं। तो आज का ये छोटा सा सेलिब्रेशन था, कल मैं क्या क्या करती हूँ। और सभी बड़ों मुझे आशीर्वाद दीजिए और सभी छोटों को मेरा प्यार। आज के लिए इतना, बाय बाय, गुड नाइट। दीदी कैमरा देख। देखिए दोस्तों, ये दो सौ केक है, ये चॉकलेट केक है और ये रेड वेलवेट केक है जो मेरे हस्बैंड ने, मैं जानती भी नहीं, वो मंगा दिए और ये उनकी तरफ से गिफ्ट है। मुझे पर्स की जरूरत है, वो एक्चुअली मुझे फ़ोन दे दिए थे। तो देखिए अभी चप्पू कैसे बैठा है। तो दोस्तों नमस्ते अमेरिका, देखिए कितना अच्छा मंदिर है, ये मंदिर का नाम है, मंदिर का नाटक ना नहीं मंदिर नाटक नहीं, अक्षरधाम बोलते हैं इस मंदिर को। ये दिल्ली की तरह ना ये मंदिर हुआ है, देखिए कितना सुंदर। अभी रात हो चुकी है तो मैं आपको इतना क्लियर आप देख पा रहे होंगे कि नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन इतना अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके, मैं आपको बोल ही नहीं सकती। बहुत ही बड़ा ग्राउंड, मैं आपको धीरे धीरे करके दिखाती हूँ मंदिर को। चलो को सीधी पकड़े तो ये जो मंदिर है ना दोस्तों, ये मैं पहली बार गई हूँ और इतना अच्छा लगा। ये जस्ट आरती ख़त्म होने के बाद हम लोग आ रहे हैं, आरती के लिए हम लोग गए थे, क्योंकि हम जब गए ना उसके तुरंत 15 मिनट के बाद आरती शुरू हो गई, तो हम लोग भी ऊपर जाना पड़ता है, वहाँ पे मोबाइल अलाउ नहीं है, वरना मैं आपको दिखाती। और बहुत ही अच्छा लगा वहाँ पर, मुझे तो नहीं पता था, मैं जब गई बहुत ही अच्छा लगा। और जाने के बाद आरती ख़त्म हुआ और देखिए आरती ख़त्म होने के बाद लोगों की भीड़ देखिए, माने मन को शांति करने के लिए ना इस जगह पे जाइए, आराम से 3-4 घंटा टाइम स्पेंड करिए, भगवान की आराधना करिए और आइए, आपको बहुत ही अच्छा फील होगा। मुझे सच बोलो, मैं पहली बार गई, मुझे इतना अच्छा लगा ये मंदिर जाके,
जो जो भी नहीं गए हैं कलकत्ता में रहते हैं, जोका करके एक जगह है जो हमारे घर से गरिया से हम लोग बाइक में गए तो हमको 40 मिनट्स का समय लगा। तो यहाँ पे हमको जाना 40 मिनट्स, आना 40 मिनट्स, तो मंदिर के अंदर लग गया लगभग 2.5 घंटा लग गया। तो ऐसे करके हम लोग ये मंदिर देखे, सब लोग आगे दर्शन करके आ रहे हैं। हम लोग गए थोड़ा घूमे फिरे, चारों ओर देखेंगे ना, इतना अच्छा काम हुआ है मंदिर का, मैं आपको क्या ही बोलूं, इतना अच्छा लगा। मैं सच में मैं बार बार जाना चाहूंगी ये मंदिर को। जो कोई भी जाना चाहता है वो आराम से, जो लोग कलकत्ता या आसपास रहते हैं या फिर ये मंदिर कभी गए नहीं है वो आराम से ये मंदिर जा सकते हैं दोस्तों। बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों को, बच्चे लोग को भी लेके जा सकते हैं, बच्चे लोग का बच्चे को देखने के लिए भी ये बहुत सारी चीज़ें आप देख सकते हो। और मैं उसके बाद आ गई मंदिर के अंदर, थोड़ा वहाँ पे भी फोन अलाउ नहीं था लेकिन मैं थोड़ा सा कैप्चर कर लिया। फिर हम लोग ये बाहर का फ़ोटो थोड़ा उठा रहे हैं क्योंकि रहेगा हम लोग के पास करके। बहुत ही अच्छा लगा, ये देखिए चारों ओर सब आपको पूरा दिखेगा, मंदिर ही मंदिर। उसका काम देखिए इतना नीट एंड क्लीन, इतना डिसिप्लिन। जब आप वहाँ पे घुसेंगे ना, आपको चप्पल रखने के लिए पूरा जगह है, चप्पल आप रखोगे, उसके बाद आप अंदर जाओगे, मोबाइल आपको लेने। ये देखिए ये एक्चुअली अक्षरधाम है न्यू दिल्ली का और इससे रिलेटेड ही मंदिर बना है, नारायण अक्षरधाम न्यू दिल्ली। थोड़ा ले लिया और यहाँ पे जहाँ जहाँ पे अक्षरधाम है उसका भी मैंने थोड़ा पिक्चर ले लिया। गांधीनगर गुजरात, गुजरात गुजरात लिखा है। तो ऐसे करके हम लोग ये जगह जाके घूम के आए। तो ऐसे पूरा सेम टू सेम ऐसे टाइप का ये मंदिर भी बना है, बहुत ही बड़ा, बहुत जगह पे मंदिर बना है दोस्तों, बहुत बड़ा एरिया है। और वहाँ पे ये देखिए सब बाबा लोग, इनको तो सपने में नहीं जानती लेकिन ये कैप्चर अगर आप लोग इनको जानते होंगे तो देखिए ये आश्रम के ही, अरे आश्रम होता है, धर्म गुरु हैं कि सदगुरु हैं जो भी हैं। उसके बाद हम लोग उसके अंदर एक पोर्शन लाइब्रेरी का था और एक पोर्शन आपका अगरबत्ती ये सब था। हम लोग वहाँ पे गए, देखिए वहाँ पे जाके फिर हम लोग ये अभी देख रहे हैं। वहाँ पे देखिए मंदिर सब कितना अच्छा मंदिर था, देखिए उसके अंदर अक्षरधाम का पिक्चर सब लगा हुआ था और वो मंदिर था, वो मंदिर देखिए बहुत अच्छा लगा। फिर हम तो मैं तो जहाँ जाती हूँ अगरबत्ती मुझे पसंद है, मेरे हस्बैंड को भी पसंद है, इसलिए हम लोग गए और थोड़ा अगरबत्ती देखे, अगरबत्ती हमको थोड़ा मंदिर थोड़ा अच्छा लगा। उसके बाद हम लोग अगरबत्ती सेक्शन में चले जाएंगे, आप देखिएगा अगरबत्ती जाके थोड़ा हम लोग अगरबत्ती सैंडल वगैरह ये सब लेके आए हैं। मैं आपको कल दिखाऊंगी गीला वाला जो होता है ना वो वाला मैं लेके आई, बहुत ही अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, सब ही अच्छे हैं। मैंने उसका जो अरेंजमेंट है ना मंदिर का, डिसिप्लिन बहुत है मंदिर। मैंने आपको लेडीज एक तरफ, जेंट्स एक तरफ, जेंट्स लेडीज एक साथ नहीं बैठेंगे, पहले जेंट्स बैठेंगे फिर लेडीज, फिर आरती हुआ, फिर आरती मैंने भीड़ हो जाएगा खड़ा होके करके नहीं, सब लोग के पास पास जाके आरती देखे, पूरा सबको आरती दिया जा रहा था। ये देखिए अगरबत्ती का, ये अगरबत्ती नहीं, ये कुछ कुछ जो था आपका जो माउथ फ्रेशनर था, बहुत सारा कुछ था। तो मैंने सोची कि थोड़ा मैं कैप्चर कर लेती हूँ, इसलिए मैंने थोड़ा उसका क्लिप ले लिया, बहुत ही अच्छा लगा, ऐसा कुछ कुछ था। उसके बाद हम लोग अगरबत्ती सेक्शन में गए और देखिए ये सब पिक्चर्स वगैरह, बहुत सारे मूर्ति थे बाबा लोगों के, मूर्ति थे राधा कृष्ण के मूर्ति थे, फोटोज थे। फिर हम लोग गए अगरबत्ती सेक्शन, अगरबत्ती सेक्शन जाके फिर हम लोग कुछ अगरबत्ती से लेते हैं, तरह तरह के सैंडल और रोज का था, लैवेंडर का था, जूही का था, और सैंडल का कुछ अच्छा अगरबत्ती तो सब हम लोग फिर देखे। देखने के बाद फिर हम लोग वहाँ से कुछ लेके आते हैं, देखिए ये अच्छा लगेगा आपको, पूरा गीला अगरबत्ती लेके क्या इस करें 60। ये वाला मैं एक पैकेट लेके आई आ गई, मुझे अच्छा लगा ये वाला, उसका खुशी था बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैं लेके आ गई। रूम फ्रेशनर वगैरह ये लेने से, ये पैकेट क्या है, ये क्या पैकेट का क्या, ये ले लेते हैं, ये रोज है। अच्छा बाबड़े हैं, खुशबू दे रहा है, बोलो ठीक, ये अगरबत्ती रख दे, ये एक रोज, एक सैंडल और एक गूगल। ओके रूम से सर है, हां रूम से लाइट चाहिए, हार 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 डी
ये तो आपका जैस्मिन जैस्मिन नहीं, ये मोगरा है। मोगरा। अच्छा मोगरा एमनी सुगे पावे अरे जता इसको खाली रख देना है। हाँ, अंदर पैकेट से निकाल के टांग देना है। अच्छा खाली टांग देना है। हाँ, वो बहुत दिन तक रहेगा ना। हाँ, वन मंथ तो कम से कम। उसके बाद फिर क्या करेंगे। फिर देखिए हम लोग जान फिर आने के बाद हम लोग एक साउथ इंडियन रेस्टोरेंट पे घुस जाते हैं। बाबा कितना छोटा छोटा इडली बड़ा चटनी सब देखते मेरे मुंह से पानी आ गया। तो अभी हम आ रहे हैं बनाना लीफ जहाँ पे साउथ इंडियन बहुत ही टेस्टी खाना। मेरे हस्बैंड बोले कि आज खा लो तो थोड़ा खा लेते हैं। बहुत बढ़िया खा के आप लोग तो दोस्तों अभी मैं एक घंटा हो गया आई हूँ पूरा टायर्ड बहुत पूरा बाइक में एक घंटा जा जा के हालत ख़राब हो चुकी है। एक घंटा जाना एक घंटा आना और मंदिर में लग गया 3 घंटा और क्या करूँ। और आज भगवान की कृपा से एक हादसा होते होते टला वो किया था मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊँगी। और आज रात भी हो चुकी है तो आज कल से लेके ब्लॉग आप लोग मेरे हस्बैंड को बहुत सारा थैंक यू मेरे बच्चे को थैंक यू बहुत अच्छा से मेरे बर्थडे सेलिब्रेट किए उन लोगों ने। और आज भी बहुत ही अच्छा लगा जो कि मुझे पसंद है मंदिर जाना ये सब जगह जाना मुझे अच्छा लगता है इसलिए मेरे हस्बैंड बोले आज चलो जाके आते हैं। बच्चे लोग नहीं गए थे वो लोग मना के हम लोग नहीं जाएंगे बोले चलो ठीक है फिर जाके फिर घूम घूम के आए। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। प्लीज़ आज का ब्लॉग देखिएगा आपको अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा और जो लोग मेरे चैनल में जुड़ना चाहते हैं वो लोग मुझे सब्सक्राइब करिएगा। फिर से और कुछ एक ब्लॉग लेके आपके सामने हाजिर होंगी। तब तक के लिए आपकी रेखा आपसे विदा लेती है। गुड नाइट और सभी बड़ों को मेरा प्रणाम और क्या बोलूँ थैंक यू जय जगन्नाथ।